हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल। आज आपके लिए जो है बेबी मिटन्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, बेबी के हाथ में जो बच्चों के हाथ में ग्लव्स होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं विदाउट पंजों के होते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वो उंगलियां नहीं उसमें घुसा पाते। तो ये बेबी मिटन्स किस तरीके से, बेबी के जो हाथ में पंजा होता है, जो हैंड ग्लव्स बेसिकली बोला जाता है, वो किस तरीके से बनाया जाता है, देखिएगा। ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। बहुत छोटे बच्चे के लिए है ये, एटलीस्ट 6 मंथ से लेकर जो है, आई थिंक सो 6 मंथ से 1 साल के बच्चे को ये आराम से आ जाएगा। और इससे थोड़े छोटे जो बेबी बॉर्न बेबी के लिए बनाना होगा, तो आप 24 फंदे डालिएगा या 26 फंदे डालिएगा। इसमें मैंने जो है 32 फंदे डाले हैं। ये 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के बच्चे के हाथ में आराम से आ जाएगा। आप ये देखेंगे, इससे छोटा, बहुत छोटा बनाएंगे तो बहुत छोटा ही बनेगा। तो देखिएगा ये हम किस कैसे बनाएंगे। ये नॉर्मल वूल ले रही हूँ मैं, बेबी वूल है बेसिकली। ये देखिएगा बेबी वूल है, और 10 नंबर की सिलाई से जो है इसे मैं बना रही हूँ। 10 नंबर की सिलाई से बना 10 नंबर की सिलाई से इसे बना रही हूँ। नॉर्मल वूल है बेबी वूल, और 32 फंदों से मैं इसे जो है शुरू करके इसे बनाती। तो चलिए बनाते हैं कि ये बेबी ग्लव्स कह लीजिए, मिटन कह लीजिए, किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखिए, इसमें मैंने 32 फंदा, अब 32 फंदे डालने के बाद एक सिलाई उल्टी की है। अब देखिएगा, अब हमें इसका बॉर्डर बनाना है। पहला फंदा उतारने के बाद धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा वापस, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। इस तरीके से आपने ये दोनों तरफ से बॉर्डर बनाना है, इस तरफ से भी और इसकी अगली तरफ से भी। जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं वैसे ही हमें इसका जो है बॉर्डर बनाना है, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधे का। दोनों तरफ से, दोनों लाइंस जो हम बनाते हैं वो एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा हम बनाएंगे। देखिए, लास्ट फंदा हमारा उल्टा आया। अब आपने इसे पलटा और अब जो सीधा दिख रहा है, यानी कि जो जैसा दिख रहा है उसे हम वैसे ही बनाएंगे। ये सीधा फंदा पहला उतारा, धागा अपनी तरफ, ये उल्टा है, अगेन धागा वापस, ये सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। इस तरीके से जो है आपने बॉर्डर इसका बनाते हुए जाना है। अब बॉर्डर तक हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक सीधा एक उल्टा जो है बनाते हुए जाएंगे। अब देखिए, ये बॉर्डर इतना मैंने बना लिया, एटलीस्ट ये 14 लाइंस है। आप चाहे तो थोड़ा इसे बड़ा रखिएगा, और बच्चे के लिए भी हम इतना ही बॉर्डर रखेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बॉर्डर थोड़ा सा छोटा या बड़ा करना है। अब देखिएगा आप क्या करना है। मैंने इतना 14 लाइंस का बॉर्डर बनाने के बाद 4 फंदे मैं बनाऊंगी। पहला फंदा उतारा आपने, दो, तीन, और ये 3 और ये 4। देखिए, पहला फंदा उतारने के बाद 4 फंदे बनाए। अब इस फंदे से यहाँ पे मैं 1 का 2 करूंगी, ऐसे और इस तरीके से। अगेन 4 फंदे बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4, फिर एक फंदे का 1 का 2 करूंगी इस तरीके से। अगेन 4 फंदे बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4। अब देखिएगा आप 4 फंदे के बाद नीचे से भी उठा के बना सकते हैं इस तरीके से। ऐसे करेंगे आप, इसे इस तरीके से लेंगे, एक आपने बढ़ा दिया, फिर 4 फंदे, 1, 2, 3 और ये 4। फिर अगेन यहाँ पे आप इस तरीके से उठाएंगे और इसे बना देंगे, यानी कि एक एक फंदा हम 4 फंदों के बाद बढ़ा रहे हैं। फिर
देखिए उल्टी लाइन पूरी हो गई। अब हमने क्या करना है, पहले हमने चार के बाद बढ़ाया था, अब हम पांच के बाद बढ़ाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे, अब पांच फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, और यहाँ पे हम बढ़ाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे लीजिएगा ऐसे और इसे बनाइएगा इस तरीके से। अगेन पांच फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, फिर यहाँ पे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से पूरी लाइन करनी है आपने, पांच फंदे बनाने हैं और एक फंदा बढ़ाना है। तो देखिए इस तरीके से ये बन गया, उल्टी लाइन अब पूरी उल्टी जाएगी। अब देखिए ये बनाने के बाद दो बार बढ़ाया हमने, अब आठ लाइंस में एक सीधी एक उल्टी की करूंगी, दोनों को मिला के, एक सीधा एक उल्टा, दोनों को मिला के एट लाइंस जो है मैं इसी तरीके से करूंगी, ना बढ़ाऊंगी ना कुछ करूंगी, सीधी सीधी लाइंस इस तरीके से जो है बनाऊंगी, एक सीधी एक उल्टी, दोनों को मिला के एट लाइंस होनी चाहिए। एट लाइंस इसी तरीके से हम आठ लाइन जो है बनाएंगे ऐसे। आठ लाइंस जो है एक सीधे एक उल्टे की करके इसमें अब ये बना लिया है। अब देखिए अब हम इसे में घटाएंगे, अभी हमने यहाँ पे बढ़ाया था, अब हम इसमें घटाएंगे। तो देखिए किस तरीके से, पहला फंदा उतारा और तीन फंदे चार फंदे बनाए, एक दो तीन और ये चार, चार फंदे बनाए और दो फंदों को हमने इस तरीके से दो का एक किया। अगेन चार फंदे बनाए, एक दो तीन चार, फिर दो फंदों को हमने दो का एक किया। इसी तरीके से पूरी लाइन करनी है, चार फंदे बनाने हैं और दो का एक करना है, एक दो तीन चार, फिर दो का एक, अगेन चार, एक दो तीन चार, फिर दो का एक, अगेन चार, एक दो तीन चार। अब पूरी उल्टी लाइन जो है पूरी उल्टी जाएगी। अब देखिए आगे हम सीधी लाइन पे, अगेन पहला उतारने के बाद अब तीन फंदे बनाएंगे, एक दो तीन, और इन दो फंदों को हम दो का एक करेंगे, फिर तीन फंदे, एक दो तीन, फिर दो का एक करेंगे। इसी तरीके से पूरी लाइन करेंगे, अब आप तीन फंदे बनाएंगे और दो का, दो फंदों को एक बना देंगे। अब उल्टी लाइन आप पूरी उल्टी बनाएंगे। देखिए आ गए उल्टी लाइन करके सीधी में, अगेन
अगेन पहला उतारेंगे, अब दो फंदे बनाएंगे, एक और एक दो, और दो का एक कर देंगे। अगेन दो बनाएंगे और दो का एक करेंगे। अगेन दो बनाएंगे, पूरी लाइन ऐसे ही करनी है आपने, दो बनाने हैं और दो का एक करना है। अब आगे हम उल्टी लाइन पे पूरी उल्टी बनानी है। चलिए आगे सीधी लाइन पे अगेन एक उतारेंगे, एक बुनेंगे और दो का एक करेंगे, एक बुनेंगे दो का एक करेंगे, एक बुनेंगे दो का एक करेंगे। पूरी लाइन ऐसे ही करनी है। उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। देखिए आगे हम सीधी लाइन पे, अब एक उतारने के बाद दो का एक करेंगे, फिर दो का एक करेंगे, पूरी ऐसे ही करेंगे हम लाइन। अगेन दो का एक, 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 और ये दो का एक। अब उल्टी लाइन करने के बाद हम सारे फंदे एक उसमें डाल के, धागे में डाल के, सुई में डाल के धागे से उसे खींच देंगे। तो देखिए इस तरीके से देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे हम उतना धागा काटेंगे ताकि हम यहाँ पे पूरा वो डालने के बाद इसे पूरा सिल पाए, तो इतना हम इसके काट के जो है धागा डालेंगे। देखिए ये धागा काट के इसमें सुई डाल दी है मैंने, और आप इसे जो है इस तरीके से लेंगे। देखिएगा अब हम इसे पलटेंगे ऐसे और पूरे को इस तरीके से सिल देंगे। आप इसे डबल करने के लिए चाहे तो दोबारा इसमें डाल सकती हैं इस तरीके से, ताकि थोड़ा सा ऊपर पे जो है मजबूत हो जाए आपका। ये देखिएगा दोबारा डाला मैंने, आप ये देख रहे होंगे, इसे खींच देंगे। ये देखिए अब इसे हम सिल देंगे, यहाँ से करके पूरा सिल देंगे। अभी सिलना अपने अपने उससे है कि आप किस तरीके से सिलोगे इसे।
देखिए सिल लिया है, अब आप इसे पलट लीजिएगा। ये आपका देखिए कितना प्यारा सा बेबी मिटन जो है, ग्लव्स कह लीजिए, बेबी मिटन कह लीजिए, ये आपका बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एक बेबी मिटन तैयार हो गया है। देखिएगा कितनी अच्छी शेप आई है उसकी। अब इसी तरीके से दूसरा हाथ का भी हम बनाएंगे, दोनों हाथ के एक जैसे ही बराबर बराबर इसी तरीके से बनेंगे, और इसे हम इस तरीके से देखिए। चलिए अब आप बनाइएगा ये, बहुत थैंक यू।